पहली अलीगढ़ की प्रदर्शनी ने अपने 125 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नुमाइश के शुरुआती दौर में ज्यादातर राजाओं, नवाबों, जमींदारों, ताल्लुकदारों तथा रईसों के घोड़ों की ही नुमाइश और मुकाबलेबाजी होती थी। उस जमाने में ये मेला सिर्फ 3 दिन का ही लगता था, बाद में ये 1 हफ्ते का और अब करीब महीने भर चलता है। शुरुआती दिनों में ये मेला रईसों के शौक पूरे करता था, परंतु धीरे धीरे यहाँ महफिलें भी जमने लगी और मुजरे भी होने लगे। बड़े व्यापारी, फिर सफल कुशल व धनी दुकानदार, ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े बड़े कुम्हार और नामी हलवाइयों ने भी अपने ढाबों को यहाँ लाने का बंदोबस्त किया। इन हलवाइयों की खास मिठाई मेवों से भरपूर हलवा पराठा, जो सभी मेलों की खास फरमाइश बन गया। दूसरी मिठाई खजला, जो कि वर्षों से गाँव वासियों की पसंदीदा मिठाई है। स्वाभाविक है कि अलीगढ़ की जो नुमाइश है काफ़ी प्रसिद्ध नुमाइश है, बहुत पुरानी है और यहाँ की जनता इसमें इन्वॉल्व होती है। ये सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की प्रतीक है। अलीगढ़ नुमाइश का मुख्य द्वार मीतल गेट सन 1952 में स्थापित किया गया था। आज इसी द्वार से होते हुए हम आपको नुमाइश के ऐसे हिस्से में ले चलते हैं जहाँ जनपद के कोने कोने से आकर हमारे कृषक भाइयों ने भाग लिया है। अलीगढ़ की नुमाइश उत्तर भारत की एक बहुत ही विख्यात नुमाइश है। नुमाइश की सकुशल संपन्न कराने के लिए न केवल अलीगढ़ से बल्कि पड़ोसी जनपदों आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, एटा, हाथरस काफ़ी फोर्स यहां पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा हम पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल, जिसके तहत लगभग 2 कंपनी PAC, इसको भी हमने यहाँ मेले की व्यवस्था को चलाने के लिए लगाया है। कैसे बढ़ाएं उत्पादकता, कैसे करें अपनी अमूल्य फसल की सुरक्षा, नई तकनीक और नई प्रगति का कैसे हो इस्तेमाल, हमारे ग्रामीण भाई जाने फसलों की सिंचाई, गन्ने की खेती, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, कैसे सुधारें बंजर भूमि, कौन से हैं उन्नत किस्म के बीज, प्रदर्शनी में शाक सब्जी एवं फलों के बीजों की दुकान भी है लगाई, कैसे हो आदर्श गांव, कैसा हो आदर्श परिवार, कैसे करें परिवार का कल्याण और पशुओं का सम्मान, ऐसी प्रदर्शनी जहां एक ही जगह होता है ग्रामीणों का उद्धार, आइए इसकी ओर भी एक नजर घुमाएं। कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, जैसे भी है यहाँ सारी व्यवस्था है। वैसे अगर जिस चीज़ की हम जानकारी लेना चाहते हैं सभी जानकारी हमें मिल सकती है यहाँ पे। कृषि फायदा के लिए हमारे नए नए बीज आते हैं, जो है अभी जो हमारा बीज आया है 373 और 343, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और अच्छा बीज है, जिसमें कि जो है जिसे फुटेर ब्यांत कहते हैं, बहुत अच्छा है, यानी झुंड बांधता है। प्रजातियाँ हैं और बागवानी है, जैसे उस सुधार में जो है आमला की खेती होती है, तो उसमें आमला की जानकारी हुई है कि उस में जो है आमला अच्छी तरह से है। जी हाँ, ये नया यंत्र जो दिखता तो आपने ट्रैक्टर जैसा है, परंतु पूछताछ करने पर इसका नाम रीपर बाइंडर मालूम हुआ। पहली बार आया ये यंत्र अपनी कार्य क्षमता, कटवार की चौड़ाई, जमीन से काटने की ऊंचाई, डीजल की खपत और इंजन के लिए जाना जा रहा है। इसके विक्रेता लुधियाना से आए हैं। इतने फायदों के बावजूद इसकी कीमत है केवल 2,06,500 रुपए।
गला नहीं होता, जानिए इस सामान्य ज्ञान सत मेले में। सपेरे की बीन सुनकर ना तो सांप नाचता है और ना ही झूमता है। सांप किसानों के सबसे बड़े मित्र हैं, क्योंकि सांप ही ऐसा प्राणी है जो चूहों के बिलों के अंदर जाकर उनका शिकार करता है। हमारे यहाँ जो मध्यम और गहरे नलकूपों की जो योजना है, जो ऐसे कृषकों के लिए हैं जो हाँ छोटे बोरिंग जो कार्य नहीं कर पाते हैं, जल स्तर जो गिर गया है, जल स्तर गिरने के कारण जो छोटे नलकूप काम नहीं कर पाते हैं, वहाँ के लिए ये योजना लगाई गई है। जो गहरे नलकूप हैं उसमें 1,00,000 का इसमें अनुदान जो है गवर्नमेंट देती है, इसमें पूरा सिस्टम जो है लगा करके हम लोग देते हैं। और जो मध्यम गहरे नलकूप है उसमें 75,000 रुपये का अनुदान है। ये योजना जो है इसी वर्ष से प्रारंभ हुई है, इसका जो है अनुदान 75,000 रुपये है। जो जनता के भरण पोषण के लिए जो अन्न उत्पादन करते हैं उस पर कीड़े और बीमारी लग करके हमारे 15-20% को नुकसान पहुंचाते हैं। उसको कीड़ों से बचाव करने के लिए हम जो है दवाओं का छिड़काव करके और नेचुरल प्रकृति के द्वारा मित्र कीटों से बचाव करवा करके उसको अन्न को सुरक्षित रखते हैं। हमारे मतलब जितने भी कृषक हैं ज़्यादातर 80% इसको देखने के लिए आते हैं, 80% और उनको सभी को फायदा हो रहा है। और बेहद आकर्षित कर रहा ये ताला 60 किलोग्राम का है। उद्योग पंडाल के बीचों बीच रखा ये ताला अलीगढ़ लॉक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के तहत हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। पिछले 5-6 सालों से आ रहे हैं। हमारा यहाँ आने का मुख्य प्रयास होता है कि हमारे प्रोडक्ट को पब्लिक को दिखाएं, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, हमारी कंपनी किस टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाती है और ये लॉन्च कराती है, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि हमारे ये नए प्रोडक्ट्स बाज़ार में आते हैं, उनसे पब्लिक को क्या फ़ायदा होता है। व्यापारियों का उद्देश्य नए नए उत्पादनों को दर्शकों को दिखाना और पुराने उत्पादनों को प्रचार करना है। भारत के विभिन्न प्रांतों से आए ये हस्तकलाकार अपने हाथ की कारीगरी से सभी का दिल लुभा रहे हैं। इनकी कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन्हें सभी करों से मुक्त रखा है। इन वस्तुओं को देखकर ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये हाथ की कारीगरी है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ पर ज्यादातर कलाकार स्टेट अवार्ड से सम्मानित हैं। हैंडीक्राफ्ट नगीने वाले तेल छोड़ने वाला ये अद्भुत कंघा, जो दिखने में तो काफी साधारण सा प्रतीत हो रहा है, परंतु ऐसा है नहीं। इस शख्स ने लकड़ियों से बनाई इन वस्तुओं पर कला का पूरा प्रदर्शन किया है
और ख्याति पाई है पुरस्कार के जरिए। खास बात तो ये है कि इस प्रकार की कारीगरों की हाथ की कलाकारी वो भी एक साथ एक ही जगह पर शायद ही देखने को मिलती है। कार्यक्रमों के नाम पर चलते ये वैरायटी शो काफी अश्लील होते हैं। पर्दा बंद ही रखिए, वरना इन मंचलों को काबू करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। ऐसे हैं ये सांस्कृतिक नृत्य और इनकी दिलकश आवाज जो दर्शकों से सबसे ज्यादा पैसे बटोरने का काम तो करती ही है, साथ ही साथ दर्शकों की जमकर भीड़ और तालियां भी बटोरती है। अब रोबोट भी बने कैसे हमारे ज्योतिष, कैसे कानों में लगाए खड़े हैं ये हेडफोन्स, क्या सुनना है इनको भी अपना भविष्य रोज रोज। जी हाँ, हम ऐसे ही कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की बात कर रहे हैं जो अपना भविष्य भी रोबोट से सुनने आते हैं। नमस्कार, 64 किलो आपके परिवार वालों को शुभ समाचार मिलने वाला है। नमस्कार। सर्वप्रथम रसल साहब ने अपना दरबार लगाना शुरू किया था और उनके बाद आए कलेक्टरों ने भी इस परंपरा को कायम रखा। सन 1880 में कलेक्टर मार्शल के दरबार में राजा हर नारायण सिंह के प्रस्ताव पर नुमाइश मैदान में लगने वाली अश्व प्रदर्शनी का नाम अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट फेयर रखा गया। कलेक्टर डब्ल्यू एस मैरिस का नाम नुमाइश के इतिहास में इसलिए अमर रहेगा कि उन्होंने जहां डेरा तंबू लगाकर कलेक्टर साहिबान के दरबार लगा करते थे, वहाँ एक शानदार दरबार हॉल बनवा दिया। मैदान के दरबार हॉल के निकट एएमयू के बीयूएमएस के एक छात्र ने कितने सुंदर ढंग से अपने मनोवृत्ति को सुनामी पीड़ितों के दर्द को उजागर करके किया है। नुमाइश को आपने खूब घूमा, अब बारी है लजीज खाने की। मेरठ से आए झंडा और नजीर होटल वाले एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी तो हैं ही, पर कोई रिश्तेदार नहीं। दोनों ही दुकानें मुगलई डिशेस के लिए मशहूर हैं। अगर आप करते हैं मांसाहारी भोजन से परहेज तो घबराइए नहीं, नुमाइश में ऐसा भी रेस्टोरेंट है जहां शुद्ध देसी घी में पका शाकाहारी भोजन मिलता है। नुमाइशी माहौल में लोग अपने परिवार सहित नौका विहार का आनंद लेना नहीं भूलते।